नागमती साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो तुम। साफ साफ ही तो कह रहे हैं, और कितना साफ कहें। अगर आज के बाद आपके पांव पद्मिनी के महल की तरफ बढ़े तो अपने पुत्र यशोवर्धन की सूरत तो छोड़िए, उसकी छाया भी देखने को नसीब ना होगी। नागमती, अपने बीच भंवर यश को मत घसीटो। हम कहां घसीट रहे हैं, वो तो स्वतः आ गए हैं। अब जब आप पद्मिनी को अपने बीच में ले आएंगे तो हम क्या चुपचाप देखते रह जाएंगे? अब आप ही सोचिए ना, एक ही छत के नीचे एक हारी हुई नागमती और एक सब कुछ पाने वाली पद्मिनी कैसे रह सके हैं। अब यश ही तो हमारे हार से ऊपर आने को सहारो है, अब वो ही तो है जो अपना पुत्र धर्म निभावे को।
रानी माँ आप? क्या बात है नई बहू, अब तक सोई ना है कि? नहीं रानी माँ, ये हमारी चित्तौड़ में पहली सगुन की रात है। आज की रात भला हम कैसे सो सकती हैं? यो थारी सगुन की पहली रात है नई बहू, कबर रतन सिंह की ना है। यो मत भूलो कि कबर रतन सिंह की पहली बिंदड़ी इन्हीं महिला में रहती है और कबर रतन सिंह पर पहलो अधिकार इकोई रहेगो। थाने मारी बात नीम सी खारी अवश्य लागेगी नई बहू, पर इन महिला की यही रीत है। हम जानते हैं दीदी के साथ रहना उनका धर्म है और उनकी प्रतीक्षा में राह देखना हमारा कर्तव्य, इसलिए हम तो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। आप जाकर आराम कीजिए रानी माँ, देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। चांद की पूरी परिक्रमा आपने हमारी प्रतीक्षा में बिता दी पद्मिनी, पर आप भी तो संपूर्ण रात्रि परिक्रमा करते हुए चांद को ही निहार रहे थे ना? आपसे किसने कहा? डूबते हुए चंद्रमा ने हमसे आकर कहा। आप बहुत भोले हैं पद्मिनी, हमें क्षमा करते थे क्योंकि प्रथम रात्रि ही हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए और हम विवश थे, हम चाहकर भी आपके पास नहीं आ पाए और इसका कारण आपको बताकर हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। इसमें कष्ट की क्या बात है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी दशा में नागमती दीदी पर क्या बीत रही होगी और रानी माँ सही तो कह रही थी कि पति पर प्रथम अधिकार प्रथम पत्नी का ही होता है। रानी माँ यहाँ पर आई थी, क्या कह रही थी वो? हमने तो नई बहू से कह दिया कि कबर रतन सिंह पर पहलो अधिकार रानी बहू को ही रहेगा, उन्हें कबर रतन सिंह के दर्शन तभी प्राप्त होंगे जब रानी बहू उन्हें उनके महला में जाने की अनुमति देगी। फिर तो नई बहू को हमसे यह अनुमति या जन्म में तो नहीं मिलने वाली रानी माँ, क्योंकि हमने उनसे वचन लियो है कि सूरज ढलने के बाद वो नई बहू की महला की तरफ नहीं जाएंगे। पर वो नहीं जाएंगे रानी माँ, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने पुत्र यशोवर्धन से कितना प्रेम करते हैं। ये की बात हुई रानी बहू, कंवर रतन सिंह सूरज ढलने के बाद नहीं जा सके, सूरज उगने के बाद तो जा सके है ना? फिर क्या करेगी? हमें जो करना था वो हमने उनसे वचन लेकर कर दियो है, हमारा वचन उनकी रातें खराब करके रख देगा और पद्मिनी के दिन वो तो हम बर्बाद करेंगे। तुम करना क्या चाहो रानी बहू, जरा हम भी तो जाने।
रानी माँ, आप तो सचमुच डर गई। घबराइए मत, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे अपने राजमहलों को कोई अपयश हो। हम तो बस इतना चाहो हो कि राजमहलों की परंपरा के अनुसार राजमहलों के पूरे दरबार को नई बहू अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलवाए। राजमहला की परंपरा? चित्तौड़ के राजमहला में ऐसी कौन सी नई परंपरा ने जन्म लियो है जिसे हम न जाने हैं? यो तो आप जानो हो रानी माँ, या फिर हम जाने हैं, पर सिंगल द्वीप के लोग के जाने हैं। ये चित्तौड़ के राजमहलों में कौन कौन सी परंपराएं चाले हैं? राणा जी, हमारा बंधन पल दो पल का नहीं है, और ना ही इतना उथला है कि सूरज की तनिक सी गर्मी इसे दूर कर सके। ये तो जन जन्मांतर का साथ है, जिसमें पता नहीं ऐसी कितने रातें आएंगे, कितने पल आएंगे जब मिलन की उस घड़ी में हम अपनी आत्मा को उसका साक्षी बना सके। पर मिलन की वो घड़ी अब कभी नहीं आएगी पद्मिनी। नागमती ने हमसे वचन लिया है, हमारे भवर के मोल पर जीवन भर के लिए। अगर हम अपना वचन तोड़ते हैं तो हम अपने भवर को कभी नहीं देख पाएंगे। क्षमा करना, हम भी कितने स्वार्थी हो गए हैं। अभी तक केवल एक अर्धांगिनी की तरह ही सोचते आ रहे थे, एक माँ के हृदय से तो हमने सोचा ही नहीं। अब तो हमारी अधीरता यशोवर्धन से मिलने की अधिक हो रही है। आखिर वो हमारा भी तो पुत्र है। आप नागमती दीदी के वचनों से परेशान मत होइए, क्योंकि वो जो भी कर रही है वो तो कुछ भी नहीं। अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम किसी को आपके पास तक कभी आने नहीं देते। अगर आप उनकी जगह पर होती तो हम किसी और के पास जाना तो तोर किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। रानी बहू, आपको रानी माँ ने बुलाया है। इन राजमहला की विशेष परंपरा है रानी बहू। इन राजमहला में जो भी नई बिंदनी आवे है वो अपनी पाक कला से सारे गांव नु रिझावे है। एक दिन का पूरा भोजन थारी देखरेख में बनेगा, फिर उस भोजन को तो अपने हाथों से पूरे राजमहला में परोसोगी।
ये तो हम रानी बहू के साथ भी करना चाहते थे, पर हमें यह सब करने की कोई आवश्यकता ही ना थी, क्योंकि हमें तो यहाँ सब जानते थे। पर था के बारे में तो यहाँ महाराज कुमार के सिवाय और कोई भी ना जाने, इसलिए यह परंपरा को निर्वाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तारे विवाह की ना तो इस राजमहला में किसी को सूचना दी गई थी और ना ही यहाँ किसी के पास इतना समय था कि सिंगल द्वीप जाए और तारे गुण अवगुण के बारे में जान सके। इसलिए ये विशेष परंपरा का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि तुरंत रसोई संभालो, क्योंकि पूरा चित्तौड़ तारी रसोई के वास्ते तरस रही है।